जैसा कि आपको पता है जापान में टोक्यो ओलंपिक चल रहा है जिसमें भारत की तरफ से पहला मेडल रजत के रूप में मीराबाई चारू ने 49 किलोग्राम भार के वेट लिफ्टिंग में जीता है। इसके साथ ही भारत के पहलवान प्रिया मलिक ने भी 73 किलोग्राम भार में हंगरी में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। हालांकि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रिया मलिक के जीत को ओलंपिक का जीत समझ लिया था, मगर ये गोल्डन जीत वर्ल्ड चैंपियनशिप का है जो किसी मामले में ओलंपिक से कम नहीं है। हॉकी में भी भारत ने पदक जीतने की उम्मीद बरकरार रखी है। आज तीसरे मैच में भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को एक तरफा मुकाबले में 3-0 से रौंद दिया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। अब बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की। 24 जुलाई को वेट लिफ्टिंग यानी भारत तोलन के 49 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोल दिया था। चानू इस साल टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। बता दें कि मणिपुर की 26 साल की वेट लिफ्टर ने कुल 202 किलोग्राम का भार उठाकर रजत पदक को अपने नाम किया था। मीराबाई ने देश को मेडल दिया तो इनाम के तौर पर मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मीराबाई को बड़ा सरप्राइज दे दिया। मीराबाई को राज्य पुलिस में एडिशनल SP बनाया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने चानू को 1 करोड़ रुपए नकद इनाम देने की भी घोषणा किया है। लेकिन अब नई खबर निकल के आ रही है कि मीराबाई चानू को रजत की जगह गोल्ड मेडल भी मिल सकता है। इसका कारण है डोप टेस्ट। इसी श्रेणी में गोल्ड जीतने वाली चीन की झी हुई हो से गोल्ड वापस लिया जा सकता है। दरअसल झी हुई का डोपिंग रोधी अधिकारियों द्वारा डोप टेस्ट किया जाएगा और यदि वो इसमें विफल रहती है तो भारतीय भारोत्तोलन मीराबाई चानू के रजत पदक को गोल्ड में बदल दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो चीन का बुरी तरह से चिन्ह तय है, क्योंकि पहले ही झी हुई के गोल्ड जीतने पर इस तरह के फोटो को लेकर विवाद हो चुका है। 24 वर्षीय झी हुई ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग की 49 किलोग्राम वर्ग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। इस प्रतियोगिता में भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिला था। इस जीत के बाद वो पूरी दुनिया भर में छा गई, लेकिन चीन के लोगों को, वहां के अधिकारियों को उसकी एक तस्वीर को लेकर नाराज हो गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपने ट्विटर अकाउंट से किया था। वेट को उठाते वक्त चीनी खिलाड़ी झी हुई की शक्ल थोड़ी रोने जैसी लग रही है। चीन को ये रास नहीं आई। चीन के लोग इस तस्वीर के लिए पश्चिम मीडिया पे भड़क गए और जमकर खरी खोटी सुना दिया। चीन के लोगों ने CNN और राइटर्स जैसे मीडिया संस्थानों की कुछ रिपोर्ट पर आपत्ति भी जताई है। अगर बात करें मेडल की तो टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका में भारत 33वें स्थान पर पहुँच गया है। वहीं मेजबान जापान 8 स्वर्ण 2 रजत और 3 ब्रॉन्ज के साथ पहले स्थान पर काबिज है। जापान के नाम कुल 13 पदक हो गए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसके नाम 7 स्वर्ण 3 रजत और 4 कांस्य पदक है। तीसरे नंबर पर चीन है जिसने अभी तक 18 पदक अपने नाम किए हैं। इन पदकों में 6 स्वर्ण 5 रजत और 7 कांस्य शामिल है। मेडल का ये डाटा 26 जुलाई तक का ही है। आपको बता दें कि इस बार के ओलंपिक में भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा दल पहुंचा है। इसमें कुल 127 खिलाड़ी अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस तो देखने को नहीं मिला, पर उम्मीद करते हैं आगे चल के भारत कम से कम टॉप 10 में अपनी जगह जरूर बनाएगा। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।